अभी हम यहाँ पर देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं और किस तरीके से कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। एडजेक्टिव होते हैं नाउन या प्रोनाउन को जो विशेषता बताता है, यानी क्वालिटी बताता है, क्वालिटी या विशेषता किसकी बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की, तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड है ये राम के क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम आएगा। जैसे ये एडजेक्टिव, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी कि वह बुद्धिमान है, तो वह कैसा आदमी है, बुद्धिमान है, तो विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुड और इंटेलिजेंट है, गुड यहाँ पर राम के लिए विशेषता बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव है, ही के लिए इंटेलिजेंट यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग हम हमेशा नाउन के बाद में करते हैं या फिर वर्ब के बाद में करते हैं। तो नाउन, नाउन के पहले या वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखें हम, नाउन के पहले है यहाँ पर बॉय, बॉय भी नाउन है उससे पहले हो रहा है यहाँ पर, और वर्ब के बाद में, जैसे कि वर्ब दे रखी है उसके बाद में हो रहा है यहाँ पर। तो कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, तो टोटल यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 8 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। इसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। फिफ्थ नंबर का होता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। सिक्स नंबर का होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये होता है विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक। सातवां नंबर का होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। और आठवां टाइप्स होता है उसे बोलते हैं पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण, पसेसिव एडजेक्टिव, POSS ESSIVE, possessive adjective।
पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है संबंधवाचक विशेषण, संबंध वाचक विशेषण। अब जैसे हम देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि गुणवाचक हम देखें तो क्वालिटी में क्या हो सकता है, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन है, ये क्या है गुण है बता रहा है, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या कि गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। जैसे अगर हम एग्जांपल लें गुणवाचक विशेषण का तो क्या है, जैसे राहुल वाज ए वाइस किंग, तो राहुल एक बुद्धिमान राजा था, तो वाइस मतलब बुद्धिमान, तो ये क्या गुण बता रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें ये गुणवाचक विशेषण है दो प्रकार से होता है उपयोग में। एक तो होता है कि अगर ये नाउन से पहले दिया हुआ है विशेषण तो क्या कहलाएगा, ये एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। तो दो तरह के यूज होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है और एक इसका यूज हम करते हैं दो तरीके से। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज, ATRIBUTIVE। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है कि अगर कोई नाउन दिया हुआ है उससे पहले अगर हम विशेषण का यूज कर रहे हैं यानी कि एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पर किंग से पहले बाइस यूज किया गया है तो बाइस यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट है। दूसरा होता है प्रिडिक्टिव यूज, प्रिडिक्टिव यूज। प्रिडिक्टिव यूज कैसे होता है, जैसे कि द वेदर इज प्लीजेंट। अब यहाँ पर हम देखें प्लीजेंट का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, प्रिडिक्टिव पार्ट में हुआ है कि वेदर इज प्रिडिक्टिव, तो यहाँ पर ये प्रिडिक्टिव का यूज होगा। यानी एडजेक्टिव का हम यूज अगर वर्ब के बाद में करते हैं यहाँ पर तो ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से इसका यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण का। उसके बाद में हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बनते हैं वो कहलाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें, ब्रिटिश रूल, BRITISH, ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर ये ब्रिटिश रूल है, ये प्रॉपर नाउन से बना है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम आएगा। जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, MONASTERY। अब यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो बुद्धिस्ट क्या होगा, एक तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम आएगा। अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि मोनेस्ट्री जो वर्ड है, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है,
जैसे कि बुद्ध बुद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, मोनेस्ट्री होता है मठ है, यानी बुद्ध का जो मठ है यानी उसके सदस्य के लोग वो कहलाएंगे मोनेस्ट्री, बुद्ध समुदाय के लोग। इसके बाद में तीसरा हम देखते हैं परिणाम वाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि इसमें हमें वस्तु की मात्रा के बारे में पता चलता है कि कितनी वस्तु हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि सम मिल्क, तो कुछ दूध दिया है तो मात्रा के बारे में पता चल रहा है, दूध की मात्रा के बारे में कुछ दिया है। एनफ ऑयल यानी कि पर्याप्त हमने ऑयल दे दिया है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं परिणामवाचक विशेषण। जैसे सफिशियंट शुगर, सफिशियंट शुगर, तो ये जो वर्ड हैं सम एनफ सफिशियंट, ये सभी क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यानी कि परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद में वो चौथा नंबर का देखते हैं हम, चौथा नंबर का है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण होते हैं, तो इसमें वस्तु की संख्या के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट यानी फिक्स संख्या, दूसरा होता है इनडेफिनेट नंबर होती है इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होती है निश्चित संख्या होती है यानी हमें पता होता है, और इनडेफिनेट में अनिश्चित संख्या होती है यानी हमें नंबर का यहाँ पर पता नहीं होता है। जैसे इसका डेफिनेट का एक एग्जांपल लें, जैसे 5 बॉयज, 5 बॉयज, तो यहाँ 5 क्या है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है यानी कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और इनडेफिनेट का एग्जांपल लें जैसे कि फ्यू गर्ल, तो यहाँ पर ये इनडेफिनेट है, फ्यू का हमें फिक्स पता नहीं है कितनी लड़कियां हैं, तो ये निश्चित संख्या व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इन विशेषणों को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक होते हैं कुछ विशेषण और निश्चित क्रमवाचक विशेषण भी होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव जिन्हें हम बोलते हैं, यानी डेफिनेट में दो प्रकार के होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, CARDINAL, कार्डिनल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनमें निश्चित संख्या दे दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, ही हैज 4 पेन, 4 पेन, तो यहाँ पर 4 फिक्स दे दिया निश्चित संख्या, तो ये हो जाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हम देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है यानी निश्चित क्रमवाचक विशेषण यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ORDINAL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसे हम बोलते हैं निश्चित क्रमवाचक विशेषण, निश्चित क्रमवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम अगर एक एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, द फर्स्ट
चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट से पता चल रहा है हमें कि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब कि निश्चित क्रमवाचक विशेषण। तो द आर्टिकल है, ये द आर्टिकल का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग है यहाँ पर नहीं होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी द आर्टिकल है ये ओरिजिनल एडजेक्टिव से पहले यूज होगा। फिर नेक्स्ट एडजेक्टिव हम देखते हैं, फिफ्थ नंबर, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं संकेतवाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण। तो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि तुरंत ही नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे दिस बॉय, तो ये लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, दिस के द्वारा हम लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट ग्रुप, तो ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज पीपल, दीज पीपल, तो ये दीज है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यानी संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि इनके तुरंत बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब यूज करेंगे, तो वो कहलाएंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर इनके तुरंत बाद अगर वर्ब यूज करते हैं हम, तो वो कहलाएंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं इनके बाद में, तुरंत नाउन यूज कर रहे हैं, जैसे कि पीपल, बॉय, ग्रुप, ये सभी नाउन है, तुरंत अगर नाउन यूज करते हैं तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और अगर इनके तुरंत बाद वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज ए गुड गर्ल, तो दिस के बाद में क्या है, हमने वर्ब यूज किया है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएंगे, दिस यहाँ पर कहलाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है यहाँ पर। अब देखते हैं विभाग सूचक विशेषण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण। तो ये प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करता है, उसे हम कहते हैं विभाग सूचक। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्टी, कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, तो वो वहां पर कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, तो ये दोनों क्या है, ईच और एवरी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। जैसे ईच, एवरी, सबके बाद में अगर तुरंत नाउन आ जाता है, जैसे कैंडिडेट नाउन है, बॉय नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर इनके बाद में कोई अन्य शब्द आता है, नाउन की जगह कोई अन्य शब्द आएगा,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे कि अन्य शब्द आने पर, अन्य शब्द के लिए एक एग्जांपल देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे हो जाएगा ये, जैसे कि ईच ऑफ द बॉय टुक द टेस्ट, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। तो यहाँ पर ईच किसके लिए, किस तरीके से उपयोग हुआ है, ये यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां नंबर का है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, INTEROGATIVE, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है, जब एडजेक्टिव के द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, जैसे कि यानी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके द्वारा, प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि विच रूम इज हर, विच रूम इज हर, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो इस तरीके से जो यहाँ पर विच और हुज है, ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जैसे कि रूम और बुक है नाउन है, अगर इनके बाद में तुरंत नाउन आ गया है तो ये कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन की जगह यहाँ पर इनके तुरंत बाद वर्ब आ जाती है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर वर्ब आ जाती है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन किस तरीके से कहलाएंगे, जैसे कि व्हाट डिड यू डू, तो यहाँ पर ये व्हाट क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं पसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण, पसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स जिसे हम बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। तो पसेसिव एडजेक्टिव में जैसे कि ये संबंध बताते हैं किसी वस्तु से या फिर व्यक्ति से, ये संबंध बताते हैं, जैसे कि माई बुक, तो माई यहाँ पर क्या है, संबंध बता रहा है बुक के साथ में उसका संबंध बता रहा है, तो ये पसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा यानी संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा ये। अब देखते हैं कि इन एडजेक्टिव का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम तीन डिग्रियों में करते हैं, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीन डिग्रियों में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब कोई एक के बारे में हमें बता वर्णन करना हो, एक के बारे में हमें विशेषता बतानी हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, अकेला ही है, तो यहाँ पर ये गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अगर एक की तुलना दूसरे से करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं,
ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ गई, तो ये कंपेरेटिव है डिग्री है, गुड कंपेरेटिव डिग्री है बेटर। और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री, यानी बहुत सारों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। तो डिग्री बनाने के कुछ रूल हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाई जाए, सुपरलेटिव डिग्री कैसे तरीके से बनाई जाए। कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है, तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव डिग्री बनानी है हमें, यहाँ पर हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बोल्ड, तो अगर हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, तो ईआर लगा देंगे, बोल्डर हो जाएगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ईएसटी लगा देंगे, बोल्डेस्ट हो जाएगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे डीप है, तो डीपर और डीपेस्ट। इसी तरीके से कुछ वर्ड हैं, जैसे कि डीप है, हाई है, एच आई जी एच, स्ट्रॉन्ग है, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वीक है। ये जो वर्ड हैं, इनमें अगर ई आर और ई एस टी लगा देते हैं तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे थिक है तो थिकर हो जाएगा, टी एच आई सी के ई आर, थिकर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी थिकेस्ट, टी एच आई सी के ई एच टी। बाकी ये चार हैं, एक दो तीन, बाकी ये तीन हैं आप यहाँ पर खुद बना सकते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा रूल, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए आर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एच टी लगा देते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री पी से दिखा देते हैं, कंपेरेटिव डिग्री सी से, और सुपरलेटिव डिग्री एस से। और रूल सेकंड ये दे रखा है कि अगर अंत में एस दे रखा है, ई दे रखा है, ई अंत में अगर ई दे रखा है एडजेक्टिव के लिए, तो हम कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी लगा देंगे। जैसे कि एबल है, अगर कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो ये हो जाएगा ए बी एल ई आर लगा दिया बस, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो एस टी लगा देंगे, ए बी एल ई एस टी, ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। यानी सुपरलेटिव डिग्री के लिए एस टी ऐड कर देंगे हम, कंपेरेटिव डिग्री के लिए आर ऐड कर देंगे बस, अगर एंड में क्या हो, ई हो, अंत में ई हो तो। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ब्रेव, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेव, बी आर ए वी ई आर, और कंपेरेट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बी आर ए वी ई एच टी। इसी तरीके से और हैं वर्ड, जैसे कि फैन का आप बना सकते हैं, नोवल का आप बना सकते हैं, ट्रिव का आप बना सकते हैं, और वाइज का आप बना सकते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप बना सकते हैं। इसी तरीके से रूल थर्ड है, रूल थर्ड क्या है कि आपके पास में जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंदर कोई अंत में क्या दिया हुआ है, अंत में कोई दिया हुआ है आपको कॉन्सोनेंट, सी ओ एन एस ओ एन टी, यानी बॉल के बराबर, बॉल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, जैसे इस तरीके से जी दे रखा है, और उससे पहले कोई वोवल दे रखा है, यानी कि
वॉवल प्लस आपको कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो आप क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, फिर ई आर और ई एस टी लगा देंगे। जैसे कि बिग का हो जाएगा, जी को डबल कर दिया बिगर, ई आर लगा दिया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जी को डबल कर दिया वी आई डबल जी, फिर ई एस टी लगा दिया। तो ऐड क्या करना है, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री के लिए ई आर ऐड करना है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी ऐड करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिट, तो ये क्या हो जाएगा फिटर एफ आई डबल टी ई आर, और ये हो जाएगा फिटेस्ट एफ आई डबल टी एस टी। इसी तरीके से हॉट आप बना सकते हैं, सैड का आप बना सकते हैं, थिन का आप बना सकते हैं, और वेट का आप बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट रूल फोर। रूल फोर क्या कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाई दे रखा है, अंत में क्या दे रखा हो, वाई दिया हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, तो बाई को आई में बदल देंगे, बाई को आई में बदलने के बाद में हम क्या करेंगे, बाई को आई में बदल देंगे, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए ई आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एस टी लगा देंगे, यानी कि ई एस टी लगा देंगे। कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री ई आर लगाते हैं कंपेरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाते हैं। अगर जैसे दे रखा है ड्राई, तो हम क्या करेंगे, जैसे कॉन्सोनेंट है आई बाई आर कॉन्सोनेंट है, और बाई क्या है दे रखा है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई दे रखा है, तो बाई को हटाकर आई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी आर आई। और फिर कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो ई आर लगा देंगे, तो ड्रायर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ई एस टी लगा देंगे, डी आर आई ई एस टी। इस तरीके से जैसे हैप्पी, एक वर्ड दिया हुआ है हैप्पी, तो ये क्या हो जाएगा एच ए डबल पी, बाई को बना देंगे आई, फिर ई आर लगा देंगे कंपेरेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम ई एस टी लगा देंगे, जैसे कि एच ए डबल पी आई ई एस टी। नेक्स्ट हम देखें जैसे हैवी, एच ई ए बी वाई हैवी, तो ये क्या हो जाएगा हैवियर, एच ई ए बी आई ई आर हैवियर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा हैवीएस्ट हो जाएगा, एच ई ए बी आई ई एस टी हैवीएस्ट। फिर जैसे मैरी, मैरी को क्या करते हैं एम ई डबल आर वाई मैरी, तो ये हो जाएगा मैरियर, एम ई डबल आर आई ई आर, और फिर ई एस टी लगाएंगे तो एम ए डबल आर आई ई एस टी मैरियस्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको बदलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल, नेक्स्ट है अगर दो खंड में कोई शब्द दिया हुआ है तो उसके आगे पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। दो खंड में जैसे कि इस तरीके से दिया हुआ है ब्यूटीफुल, वी ई ए यू टी आई ब्यूटी, फिर फुल, दो खंड हो गए यहाँ पर ब्यूटीफुल। इस तरीके से तो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं आगे, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा ये, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगा देंगे मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, फिर ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरीके से करेज, सी ओ यू आर ए जी ई, करेजियस, तो करेज और अस ये दो वर्ड हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इसी तरीके से इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई, इंटेली और जेंट, दो वर्ड में दो खंडों में टूट रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा मोर और यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरीके से हम बना सकते हैं प्लीजेंट का भी बना सकते हैं, पी एल ई ए एस ई प्लीज और एंट, दो वर्ड हो रहे हैं यहाँ पर प्लीज और एंट,
तो इसका भी बना देंगे मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट। कुछ एडजेक्टिव हैं जो कि कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ एडजेक्टिव हम देख लेते हैं, पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे कि गुड या फिर वेल दिया हुआ है, तो इसका क्या बन सकता है, डब्ल्यू ई डबल एल। अगर इसका कंपरेटिव बनाना है तो इसका बेटर कंपरेटिव डिग्री बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री बनेगा बेस्ट। इसका कोई रूल नहीं है, ये फिक्स है ये। अगर बैड दिया हुआ है या फिर इल दिया हुआ है तो इसका बनेगा वर्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई वर्स, और ये बनेगा वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी। इसी तरीके से लिटिल है, लिटिल की कंपरेटिव डिग्री क्या बनेगी, लेस बनेगी या फिर लेसर बनेगी, और फिर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी लीस्ट। इसी तरीके से फूड दे रखा है, एफ ओ आर ई, तो ये बनेगा फॉर्मर, एफ ओ आर एम ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी फोरमोस्ट, एफ ओ आर ई एम ओ एस टी, या फिर बनेगी फर्स्ट, एफ आई आर एस टी। इसी तरीके से क्या दिया हुआ है, फार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फार दिया हुआ है, फार, तो ये क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, एफ ए आर टी एच ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा फार्दर, एफ ए आर टी एच ई एस टी। इसी तरीके से नियर दिया हुआ है, नियर का कंपरेटिव डिग्री हो जाएगा नियरर, एन ई ए आर ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा नियरेस्ट, एन ई ए आर ई एस टी, नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। इसी तरीके से ओल्ड दे रखा है, तो ओल्ड का यहाँ पर ओल्डर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ओल्डेस्ट, ओ एल डी एस टी, ओल्डेस्ट या फिर इल्डेस्ट। इसी तरीके से मच या मैनी दे रखा है पॉजिटिव डिग्री में, मच या फिर मैनी, तो ये हो जाएगा मोर और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा ये मोस्ट। तो इस तरीके से डिग्री चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं हम कुछ एडजेक्टिव हैं उनका करेक्ट यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे कि सम और एनी। सम और एनी दोनों का ही अर्थ होता है, एनी का मतलब कोई, सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, तो इनमें क्या फर्क होता है। सम का प्रयोग हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इसका करेंगे, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई बी, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रयोग करेंगे इसका, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो हम मात्रा अगर बतानी है तब करेंगे, और अगर दे रखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन वहां पर हम संख्या बताने के लिए सम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम
वाटर. तो वाटर क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मात्रा दिखाने के लिए यहाँ पर सम का प्रयोग हमने किया है. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई हैव सम फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस. तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये. फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. तो सम यहाँ पर संख्या को बता रहा है, यानी कि कुछ मित्र है. तो ये संख्या को बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है. दूसरा, ये दोनों वाक्य पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाक्यों में ही हम सम का प्रयोग करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में करते हैं. जैसे कि आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो नेगेटिव वाक्य है ये डू नॉट, इस वजह से यहाँ पर एनी का प्रयोग हमने किया है. या फिर क्वेश्चन अगर हमें पूछना है किसी से, तब भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम देखें, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, जैसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन वाचक वाक्यों में भी हमने एनी का प्रयोग कर सकते हैं. अगर हम जवाब की उम्मीद हाँ में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वाले वाक्य में भी हम सम का प्रयोग करेंगे. जैसे कि डू यू हैव सम फूड. तो अगर हमें भोजन चाहिए, तो हम हाँ में उसकी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हाँ में आए, सामने वाला बोले कि हाँ मेरे पास में भोजन है, तो वहाँ पर हम सम का प्रयोग करेंगे, न कि एनी का प्रयोग. और कभी भी कोई भी सेंटेंस में नो और एनी का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है. इसके बाद में देखते हैं हम सम और एनी के बाद में फ्यू, लिटिल, मच और मेनी का प्रयोग. फ्यू, लिटिल, मच और मेनी का प्रयोग. तो यहाँ पर हम देखें, मच और मेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम ज्यादा चीज के लिए करते हैं. लिटिल और मच ये दोनों हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं. किसके लिए, अनकाउंटेबल, अगर हमें मात्रा बतानी है उसके लिए करेंगे. और फ्यू और मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए करते हैं, काउंटेबल. और यहाँ पर फ्यू और लिटिल किसके लिए करते हैं, कम चीज के लिए करते हैं. तो ये हमें ध्यान रखना है. जैसे कि फ्यू के भी हम तीन प्रकार के होते हैं और लिटिल के भी तीन प्रकार होते हैं. जैसे फ्यू के तीन प्रकार कौन से होते हैं, फ्यू में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू आता है. अब फ्यू क्या है, संख्या में कम है लेकिन है, वहां पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे. कम है लेकिन है, वहां पर फ्यू का प्रयोग करेंगे. एफ यू का प्रयोग संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर है, वहां पर हम एफ यू का प्रयोग करेंगे, यानी ना के बराबर. और द फ्यू का प्रयोग कब करेंगे, संख्या में कम लेकिन निर्धारित है, यानी कि कम तो है लेकिन वो निर्धारित है, यानी उसकी तरफ हम क्या कर सकते हैं, उसे हम इंकित कर सकते हैं. तो वहां पर इसका प्रयोग होगा द फ्यू का. इसके बाद में देखते हैं हम लिटिल का. लिटिल का क्या कॉन्सेप्ट है, लिटिल में भी तीन प्रकार के होते हैं यहाँ पर,
लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल में जैसे कि हम देखें कि मात्रा में कम है लेकिन है, तो ये मात्रा के लिए प्रयोग होगा, जबकि फ्यू काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है। और काउंटेबल क्या है, यहाँ पर संख्या में बताता है, हमें संख्या को गिन सकते हैं हम, और मात्रा यहाँ पर अनकाउंटेबल होती है। ए लिटिल है, ये मात्रा में इतना कम है ना के बराबर, और द लिटिल होता है, ये मात्रा में कम है लेकिन निर्धारित है। तो इनके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, KNOWLEDGE, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, DANGEROUS, डेंजरस थिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? तो नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये अनकाउंटेबल है, एक तरह हमें ये पता चला है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल का प्रयोग होगा, लिटिल ए लिटिल या द लिटिल। अब लिटिल ए लिटिल द लिटिल में से कौन सा प्रयोग होगा? लिटिल क्या होता है, मात्रा में कम लेकिन होता है, तो यहाँ पर मात्रा में कम लेकिन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स है, तो यहाँ पर आएगा ए लिटिल, क्योंकि ना के बराबर होता है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जानकारी अधूरी हो तो वो खतरनाक हो सकती है, या अधूरी हो तो खतरनाक हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, ए लिटिल आया है, यानी मात्रा है कम है लेकिन है। तो तीन तरह की जो वर्ड होते हैं हम, लिटिल यानी कि मात्रा में इतना कम है ना के बराबर, मात्रा में इतना कम है यानी कि ना के बराबर, और ए लिटिल होता है, वो होता है मात्रा में कम लेकिन है, मात्रा में कम लेकिन है, और द लिटिल होता है मात्रा में कम लेकिन निर्धारित है। मात्रा में कम लेकिन निर्धारित, लेकिन निर्धारित है, जिसकी तरफ हम इंकित कर सकते हैं। इंकित कर सकते हैं इसी तरीके से जो लिटिल है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर फ्यू है, ये संख्या के लिए आ जाएगा। ए लिटिल है मतलब कि ए फ्यू है, ये संख्या के लिए आ जाएगा, मात्रा की जगह संख्या आ जाएगी। और द लिटिल है मतलब कि द फ्यू है, और यहाँ पर मात्रा की जगह संख्या आ जाएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर, यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, फिर डेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेज क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि मात्रा है संख्या है, तो डेज क्या है, संख्या है, गिन सकते हैं हम इसको, तो संख्या आ रही है, इसका मतलब फ्यू ए फ्यू द्याफ्यू में से आएगा। अगर फ्यू हम लगाते हैं, इसका मतलब मात्रा में इतना कम है ना के बराबर, तो ना के बराबर रेस्ट की तो कहेगा नहीं, तो इसका मतलब तो ये तो गलत है। इफ यू मात्रा में कम है लेकिन है, तो यहाँ पर इफ यू आ सकता है। दाफ्यू कब आएगा, जब निर्धारित कर देगा तब दाफ्यू आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम बोल लेते हैं,
जैसे वाटर आई कैप फॉर यू, आई कैप फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम, हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब मात्रा है, मात्रा है मतलब कि लिटिल ए लिटिल द लिटिल आएगा। लिटिल क्या होता है, मात्रा में इतना कम, ना के बराबर। तो ना के बराबर पानी है तो उसको तो खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो ना तो फ्यू लिटिल तो आएगा नहीं, ए लिटिल मात्रा में कम है लेकिन है, इसका मतलब उससे वो काम में भी नहीं लेगा, यानी कि फिनिश नहीं करेगा उसके द्वारा। फिनिश बाई हिम यानी जो भी पानी था निर्धारित था उसको ख़त्म कर दिया उसके द्वारा, यानी एक बाल्टी दो बाल्टी जो भी पानी होगा उसको ख़त्म कर दिया, इसका मतलब पानी पहले से ही निर्धारित है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द लिटिल आएगा, द लिटिल। कैसे आएगा द लिटिल, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, यानी कि थोड़ा पानी उसने आपके लिए रखा था, लेकिन ये जरूरी है, फिक्स है कि उसने रखा था, डेफिनेटली उसने कुछ पानी रखा था, यानी निर्धारित है, इसका मतलब द लिटिल का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से इनका हम यूज करते हैं। दूसरा एक और वर्ड आता है यहाँ पर, क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी होती है मात्रा, की यू ए एन टी आई टी वाई, और दूसरा होता है नंबर यानी संख्या। संख्या के लिए हम यूज करते हैं फ्यू, क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं लिटिल। लेकिन अगर ये सेंटेंस में रखें क्वांटिटी और नंबर, तो हम फ्यू और लिटिल दोनों का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम स्मॉल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, ऑफ फूड वाज वेस्टेड। तो यहाँ पर स्मॉल आया है। अगर हम लिखेंगे लिटिल क्वांटिटी तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे लिटिल लिखा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में और रूल हम देखते हैं, जैसे एज के बीच में अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव लगा रहे हैं या फिर एडवर्ब लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करेंगे। जैसे कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ऐसे नहीं लिखेंगे ही इज बेटर एज हिज ब्रदर, तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है गुड। देन के पहले हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, ई आर लगा होता है, तो ये रूल सेकंड है। क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री जो होती है उसमें ई आर लगा होता है, उसके बाद में आता है देन, तो टी एच एन आएगा देन। तो देन के पहले हमेशा क्या होगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। जैसे कि ही इज बेटर, तो वी ई डबल टी आर, बेटर देन हिज ब्रदर। लेकिन हम देखें कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन देन से पहले कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, एक टुडे आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर,
तो जरूरी नहीं कि बेटर के बाद में हम देन लिखे, देन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन देन से पहले हमेशा फिक्स है कि कंपेरेटिव डिग्री ही आएगी। अगला एक है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, यानी द आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया है। अगर दो व्यक्तियों में से किसी एक का चुनाव करना हो, हमें दो में से एक का चुनाव करना हो तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग करेंगे। और कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आएगा और बाद में क्या आएगा, ऑफ आएगा। जैसे एग्जांपल हम देखें, सी इज द बेटर, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, तो यहां पर अगर हमने सी इज द गुड बेटर और बेस्ट कर दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी सुपरलेटिव डिग्री कर दी दा के बाद में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दो में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ये है, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो इस तरीके से आएगा। और अगर सभी में से एक का चुनाव करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और अब वहां पर आर्टिकल आएगा दा, जैसे कि He is the best of all player, best of all the player, तो यहाँ पर ऑफ आएगा और यहाँ पर द आएगा बेस्ट से पहले, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स में से एक का चुनाव करना है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में अगर तुलना करना है, नाउन या फिर प्रोनाउन, इनकी कोई दो क्वालिटी है, उनकी अगर तुलना करना है यानी कि उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को किस तरीके से बढ़ाएंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी, वहां पर कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल हम देखें, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, यानी वो होशियार से ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है, तो वाइज, उसकी वाइज और इंटेलिजेंट दोनों को बीच में कंपेरिजन किया गया है, इस वजह से मोर आया है। अगर हमने यहाँ पर कर दिया वाइजर कर दिया वाइज की जगह, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कभी भी और किसी को एक्सक्लूड करना है हमें, तो हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे, यानी अलग करना है, एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को अलग करना है, अलग करना है कंपेयर करते समय, जैसे एग्जांपल हम देखें,
डायमंड इज मोर प्रीशियस, मोर प्रीशियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रीशियस देन एनी मेटल। तो यहाँ पर हम देखें ये मोर शब्द का उपयोग किया हुआ है। एनी शब्द हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है? डायमंड यहाँ पर मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनी हमने यूज किया है, एनी अदर का उपयोग नहीं किया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो कि इस तरीके से आ जाएगा, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी, मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर एनी अदर आया है, यानी बहुत सारे मेटल्स में से सबसे महंगा जो जो कीमती है वो है गोल्ड, है सोना। तो ये कंपेयर करते समय सबसे अलग कर दिया है हमने यहाँ पर गोल्ड को, इसी तरीके से कंपेयर करते समय डायमंड को यहाँ पर एकदम अलग कर दिया है। तो इस तरीके से अलग हमें दिखाना हो तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव का अंत किसके साथ में हो रहा है, आई ओ आर के साथ में हो रहा है, तो उसके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ एडजेक्टिव हैं, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, ए एन टी ई आर आई ओ आर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पी ओ एस टी ई आर आई ओ आर, पोस्टीरियर। तो इनके बाद में हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ना कि देन का। जैसे कि ही इज सीनियर टू मी आएगा। अगर हमने कर दिया सीनियर देन मी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कुछ सेंटेंस हैं जैसे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका हम ना तो कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से सेंटेंस हैं जिनका ना हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज करते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं? वो सेंटेंस देखते हैं हम, यानी एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका ना कंपेरेटिव डिग्री में किया जाएगा ना सुपरलेटिव डिग्री में किया जाएगा। जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, यू एल टी ई आर आई ओ आर, मेजर, माइनर, माइनर के बाद में एम पी टी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के बाद में सर्कुलर, सर्कुलर के बाद में एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के बारे में चीफ, चीफ के बाद में एंटायर, एंटायर के बाद में है कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट के बाद में परफेक्ट, परफेक्ट के बाद में है फाइनल, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिक के बाद में यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बाद में राउंड, राउंड के बाद में स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में ट्रायंगुलर, टी आर आई
ANGULAR ट्रेंगुलर। फिर है इटरनल ETERNAL इटरनल। एवरलास्टिंग EVERLASTING NG एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग के बाद में है आइडियल, आइडियल के बाद में है एब्सोल्यूट ASOLUTE एब्सोल्यूट के बाद में है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के बाद में है सुप्रीम SUPREME। तो इनमें हम कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, INFERIOR इन्फीरियर टू दैट, THET दैट। तो यहाँ पर अगर हमने कर दिया मोर इन्फीरियर या मोस्ट इन्फीरियर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ना ही हम इन्फीरियर के साथ में कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है, कंपेरेटिव डिग्री में उनका प्रयोग नहीं होता है। तो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका या तो पॉजिटिव डिग्री में ही उपयोग होगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा? जैसे कि टॉप है तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? टॉप मोस्ट, कोई भी इसकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। जैसे है नॉर्दर्न NORTHERN, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट, मोस्ट लगा देंगे आगे। जैसे इस तरीके से साउथर्न SOUTHERN, तो साउदर्न मोस्ट लगा देंगे यहाँ पर। ईस्टर्न है जैसे कि ESTERN, तो ईस्टर्न मोस्ट लगा देंगे यहाँ पर। वेस्टर्न है जैसे कि WESTERN, तो यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट कर देंगे। एक एडजेक्टिव है प्रीफरेबल, इसका प्रयोग सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री में ही हम यूज करते हैं, प्रीफरेबल। कहाँ पर यूज करेंगे इसका? सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री में, ओनली कंपेरेटिव डिग्री में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ में क्या होगा? प्रीफरेबल के बाद में टू का प्रयोग होगा, न कि देन का प्रयोग। देन का प्रयोग इसके साथ में नहीं होगा और मोर का प्रयोग भी इसके साथ में नहीं होगा। जैसे कि प्रीफरेबल की जगह अगर प्रीफर्ड दे रखा हो तो भी हम टू का ही प्रयोग करते हैं इसके साथ में। प्रीफर भी अगर दिया है तो अभी हम इसके साथ में टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दिस इज प्रीफरेबल टू दैट, PREFERABLE प्रीफरेबल टू दैट। तो यहाँ पर टू का अगर हमने कर दिया यहाँ पर देन तो ये गलत हो जाएगा। प्रीफर के साथ में हम क्या करेंगे? प्रीफर के साथ में टू के स्थान पर रेदर देन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, I prefer tea to coffee, यानी कॉफी की बजाय में चाय लेना पसंद करता हूँ। अगर इसको इस तरीके से ही बना दें हम सेंटेंस को, I prefer tea, अब टू को अगर हम चेंज कर दें, रेदर देन में भी चेंज कर दें तो भी सेंटेंस सही रहेगा। रेदर देन RATHER रेदर देन कॉफी, तो भी हमारा ये सेंटेंस है क्या रहेगा? सही रहेगा, यानी गलत या सेंटेंस नहीं होगा।
हम देखते हैं कि अगर एक या नाउन, एक नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है, इनके लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है और दोनों को कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में हम लेंगे। जैसे हम देख लें, जैसे गांधी जी, गांधी जी वाज नोबलेस्ट, वाज दी नोबलेस्ट, NOBLEST, नोबलेस्ट, एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल लीडर, वाइजेस्ट ऑफ ऑल दी लीडर। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, गांधी जी वाज दी नोबलेस्ट एंड वाइजर कर दें यहाँ पर वाइजेस्ट की जगह, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी एक नाउन है, जैसे गांधी जी नाउन दे रखा है, कोई भी नाउन दिया हुआ है या प्रोनाउन दिया हुआ है, और इसके लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर नोबलेस्ट यूज किया गया है और वाइजर, दो एडजेक्टिव हमने यूज किए हैं, और दोनों को किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पर एंड के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो हम दोनों को एक ही डिग्री के अंदर लिखेंगे। जैसे कि ये सुपरलेटिव डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको भी हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ही लिखेंगे, ये यहाँ पर ही रूल कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर हम दा का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। अगर हम दा का प्रयोग कर देते हैं एडजेक्टिव से पहले, दा प्लस एडजेक्टिव, तो ये बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन, बन जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन ये बन जाता है। जैसे कि कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, और इनके बाद में हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे वर्ड हैं जैसे कि रिच, पुअर, नीडी, एग्ड, AGED, ब्लाइंड, डेड, मीक, वेक्ड, इस तरीके से हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, अगर इसका सेंटेंस बनाएं, जैसे कि द रिच यूजुअली एक्सप्लोइट द पुअर, तो जैसे कि यहाँ पर दा प्लस एडजेक्टिव आ गया, जैसे दा प्लस एडजेक्टिव है, यहाँ पर दा प्लस एडजेक्टिव है, तो द रिच यानी बहुत सारे अमीर लोग हो जाएंगे, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, इस वजह से ये एक्सप्लोइट आ जाएगा, एक्सप्लोइट्स नहीं आएगा यहाँ पर। कुछ वर्ब होती हैं जिनको एडवर्ब मॉडिफाई करती हैं, जैसे कि ly अगर लगा देते हैं हम तो मॉडिफाई हो जाती है। कुछ एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बना जाता है, एडजेक्टिव प्लस ly, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा ये। जैसे हम देखें क्वालिटी, PoLITY, तो अगर इसमें ly लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, politely, POLITELY। इसी तरीके से बैड है तो badly, BADLY। इसी तरीके से सिंसियर दे रखा है, SINCERE, अगर ये एडवर्ब बनाना है तो सिंसियरली हो जाएगा, SINCERLY। इसी तरीके से ऑनेस्ट दे रखा है, HONEST, तो ये हो जाएगा ऑनेस्टली, HONESTLY। ये अपवाद के रूप में है, क्यों है अपवाद के रूप में, कि ये पॉलिटी है, तो
तो यहाँ पर ई हमने एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसलिए अपवाद के रूप में आएगा ये। कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद में हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वर्ब हैं वो? वो वर्ब हैं जैसे कि सीम, लुक, एपियर, APAR, एपियर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, ये वर्ब हैं, यानी सेंसेशन वर्ब कहते हैं इनको, संवेदनशील वर्ब, सेंसेशन वर्ब। इनके बाद में हम क्या यूज करेंगे? इनके बाद में एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे कि अगर सेंटेंस दिया ही फील्स बैड, अगर यहाँ पर बैडली कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसेशन वर्ब है, सीम, लुक, एपियर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल। इसके बाद में हम एडजेक्टिव ही यूज कर सकते हैं, एडवर्ब हम यूज नहीं कर सकते। इनके अलावा, सेंसेशन वर्ब के अलावा कुछ और वर्ब हैं जिनके बाद में भी एडवर्ब हम यूज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। जैसे कि बी है, बीकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, इनके बाद में भी हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, ही बिकम, जैसे बिकम आ गया है यहाँ पर, ही बिकम सैड, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा सैडली, अगर सैडली आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं या फिर हाइफनेटेड होते हैं। हाइफनेटेड, PHENATED, हाइफनेटेड होते हैं या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं। तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म की तरह इनका यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि आई डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड ए टू आवर लेक्चर, LECTURE, लेक्चर, तो यहाँ पर ये आवर्स नहीं आएगा। अगर हमने इस तरीके से कर दिया टू आवर्स तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, एस लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई या लिख देते हैं यहाँ पर, ही गेव मी 200 rupees, 200 rupees, RUPEE, रुपी नोट्स। अगर हमने इसको रुपी को रुपीज कर दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई भी नाउन है अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी नाउन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में, वो नाउन है कभी भी नहीं हो सकता अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
जैसे कि लेसर आर इंडिस्पेंसिबल लेजर्स, LESER, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल इन डिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। तो यहाँ पर ये आईज गलत होगा, आई लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे आई को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो आई यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके अर्थ में हमें कन्फ्यूजन होता है, उन्हें सावधानी से किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि फार्द, एक वर्ड है फार्दर, FARTHER, और एक वर्ड है फर्दर, FURTHER। फर्दर का मतलब क्या होता है, दूरी में और अधिक, इसका मतलब होता है दूरी में और अधिक, और फर्दर का मतलब होता है और इस फर्दर का मतलब होता है और, यानी और काम करना है, जैसे कि इसका हम सेंटेंस देखें, सी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ लेन, सी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ लेन, एंड ऑफ लेन। दूसरा है इसका हम देखें सेंटेंस फर्दर का, जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, यानी मैंने कोई और आदेश प्राप्त नहीं किया, तो यहाँ पर और का लिए उपयोग होगा ये। और सी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ लेन, यानी कि लेन एरिया उससे और दूर ये रहती है, कोई कोई जगह है वहाँ पर रहती है, तो दूरी के सेंस में उपयोग होगा फर्दर, और फर्दर होता है और। इसी तरीके से दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है मान लो लीस्ट और लेटेस्ट, या हो सकता है लास्ट अंतिम होता है, और लेटेस्ट मतलब वर्तमान, लास्ट होगा आखिरी, और लेटेस्ट होता है नवीनतम जो वर्तमान का है, LATEST लेटेस्ट। इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं लास्ट का, जैसे कि द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, MUGHL मुगल एम्पायर, EMPIRE वाज एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, BAHADUR बहादुर शाह जफर, तो ये लास्ट हो जाएगा अंतिम। और लेटेस्ट हम देखें, जैसे कि व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, LATEST लेटेस्ट स्कोर। फिर हम और देखें, जैसे कि एक देख लेते हैं एल्डर और ओल्डर, ELDER और OLDER। एल्डर में हम देखें, एल्डर या फिर एल्डेस्ट का अर्थ होता है
खून के रिश्ते में जो बड़ा होता है, यानी अपना बड़ा भाई खून के रिश्ते में जो बड़ा होता है, और ओल्डर होता है इसके खून का कोई रिश्ता नहीं होता है, यानी ये उम्र में बड़ा होता है, उम्र में बड़ा। जैसे कि एल्डर का एग्जांपल लेते हैं, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ई एल डी ई आर, एल्डर ब्रदर। और ओल्डर का हम देखें सेंटेंस तो क्या होगा, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। फिर हम देखते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट एन ई ए आर ई एस टी, नियरेस्ट, और एक देखते हैं नेक्स्ट एन ई एक्स टी। तो नियरेस्ट क्या होता है, नियरेस्ट होता है सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, और नेक्स्ट होता है अगला कोई काम कर हम कर रहे हैं अगला। तो इसका अगर हम सेंटेंस देखेंगे नियरेस्ट का, जैसे कि विच इज नियरेस्ट हॉस्पिटल, विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, एन ई ए आर ई एस टी, नियरेस्ट हॉस्पिटल। और नेक्स्ट होगा जैसे कि द बैंक इज द नेक्स्ट बिल्डिंग, द बैंक इज द नेक्स्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट बिल्डिंग। उसके बाद में हम देखते हैं लेटर, और एक होता है लेटर, एल ए टी ई आर, लेटर होता है जिसका अर्थ होता है बाद में, और एक होता है लेटर, एल ई डबल टी ई आर, जिसको हम बोलते हैं पत्र। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं बाद वाला जो पार्ट होता है, बाद वाला, अंतिम वाला पार्ट या बाद वाला पार्ट। जैसे कि लेटर को हम सेंटेंस देखें, आई विल कॉल यू लेटर, यानी मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। और ये लेटर है इसका अर्थ क्या होगा, द लेटर पार्ट ऑफ मूवी वाज बोरिंग, यानी बाद वाला भाग था मूवी का, अंतिम वाला पार्ट वो बोरिंग था, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, बी ओ आर आई एन जी, बोरिंग। फिर हम देखते हैं ऑल और बोथ, ऑल और फिर बोथ। ऑल क्या होता है, जैसे कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, तो ये पॉसेसिव केस में दोनों का प्रयोग हो सकता है, जैसे ऑल माई फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड, माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड। अगर हमने इसको इस तरीके से कर दिया, माई ऑल फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड, तो ये गलत हो जाएगा। अगर माई ऑल कर दिया हमने तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसी तरीके से बोथ का हम देख लेते हैं, बोथ ऑफ माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड,
अगर कोई वाक्य ऐसा दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एडजेक्टिव की दोनों डिग्री का उपयोग हुआ है, यानी कि उसमें पॉजिटिव डिग्री ही उपयोग हो रही है और उसमें कंपरेटिव डिग्री भी उपयोग हो रही है, कंपरेटिव डिग्री भी अगर उसमें उपयोग हो रही है, पॉजिटिव डिग्री और कंपरेटिव डिग्री दोनों का उपयोग हो रहा है, तो हम एक तरफ उपयोग करेंगे एज, इस तरीके से सेंटेंस, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, और अगर देन दिया हुआ है तो देन से पहले कंपरेटिव डिग्री आ जाएगी, कंपरेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जांपल हम देख ले देते हैं, ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन, तो देन से पहले मोर आ गया, नॉट मोर देन हिज ब्रदर, तो ये कंपरेटिव डिग्री के लिए आ गया मोर। अगर हमने टाइम शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसके बाद में हम कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, टाइम्स के साथ में कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योवर, यानी जैसे तुम्हारा घर है उससे मेरा घर 4 times बड़ा है, तो 4 times यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पर इस तरीके से निकलेंगे माई हाउस 4 times बिगर, अगर हमने यूज कर लिया बिगर देन योवर तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर इसकी जगह यूज कर लिया, इस सेंटेंस की जगह बिगर देन योवर, बिगर देन योवर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपरेटिव डिग्री हम अगर हमने टाइम्स सेंटेंस में यूज कर लिया है तो उसके साथ में हम कंपरेटिव डिग्री उपयोग नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव में की साइज का, शेप का, कलर का अगर हमें एक साथ पता चल रहा है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हम एडजेक्टिव की साइज बताएंगे, साइज के बाद में उसकी शेप बताएंगे, शेप के बाद में उसकी हम एज बताएंगे, एज के बाद में हम उसका कलर बताएंगे, कलर के बाद में उसका इमोशन बताएंगे, इमोशन के बाद में उसका हम नेशनलिटी बताएंगे एक ही सेंटेंस में, उसके बाद में उसका मटेरियल स्टेट बताएंगे, यानी कि वो शादीशुदा है या नहीं है, मटेरियल स्टेट, और उसके बाद में हम उसके बारे में यहाँ पर नाउन आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये सीक्वेंस रहेगा, साइज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर शेप, तीसरे नंबर पर एज, चौथे नंबर पर कलर, पांचवें नंबर पर इमोशन, छठे नंबर पर नेशनलिटी, सातवें नंबर पर मटेरियल, आठवें नंबर पर नाउन जो भी है। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड arrested a 22-year-old, तो 22 twenty-two 22-year-old एज आ गई। उसके बाद में आएगा कलर, ब्लैक अमेरिकन, तो फिर ब्लैक आ गया, और फिर नेशनलिटी आएगा यानी अमेरिकन, AMERICAN अमेरिकन नेग्रो, इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा, यानी एज, एज के बाद में कलर, कलर के बाद में नेशनलिटी। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दी थी फ्लैश्ड ए बिग शार्प नाइफ, The thief
placed a big, तो big क्या होगी, size होगी, sharp, sharp क्या होगी, shape होगी, big sharp knife यानी K-N-I-F-E, knife मानी क्या होता है, चाकू होता है, and asked the cashier, and asked the cashier, C-A-S-I-E-R, to fill the black leather, to fill the black क्या हो गया, color हो गया, leather, leather material हो गया, L-A-T-H-E-R, तो ये material है, material, black leather bag with money, bag with money, तो ये sequence रहता है. कभी भी दो कम्पलेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होगा. दो कम्पलेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ इनका प्रयोग कभी भी नहीं होगा. जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज बेटर देन दैट, बेटर देन दैट, ये सेंटेंस सही है. लेकिन अगर हम इसने ऐसे कर दिया, दिस इज more better than that, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो comparative degree हो जाएंगी, तो ये गलत sentence हो जाएगा. तो ये भी हमें ध्यान रखना है. अगर दो adjective के साथ में अलग अलग proposition की जरूरत पड़ रही है हमें, तो हम उसके लिए जिस तरीके का proposition आएगा, उस तरीके का proposition हम उपयोग करेंगे. जैसे कि he is senior, he is a senior, S-E-N-I-O-R, senior, to, and, तो ये proposition लगा दिया हमने, and, more experienced than you, यानी तुमसे ज़्यादा senior है और तुमसे ज़्यादा experience भी है. इस तरीके से हम अलग अलग प्रोपोजिशन लगा देंगे. यहाँ पे अलग टू प्रोपोजिशन लगा दिया, यहाँ पर हमने देन प्रोपोजिशन लगा दिया, और इस तरीके से अलग अलग से प्रोपोजिशन आ जाएगा. बाकी इससे रिलेटेड जो एरर हैं, एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.